पूरी तरह से मन में, बुद्धि में, हृदय और आत्मा कुछ भी कही सब में बैठा लीजिए कि सिर से पैर की उंगली तक यह रचना एक मार्ग है, एक पथ है जिस पर मन को बुद्धि को एकाग्र करके हम अपनी यात्रा करते हैं सच की ओर। टुडे द बिगिनिंग डे ऑफ नवरात्रि, नवरात्रि मीन्स नाइन काइंड ऑफ डार्कनेस। टुडे वी शुड एक्सेप्ट दिस, दिस हैड टू डू व्हाट वी फील इज ए डिवाइन पाथ, इज कंप्लीट पाथ बाय प्लेसिंग माइंड on head to toes, our reasoning power, our consciousness on head to toes. We practice eternal journey to realize our eternal nature. Feel head to toes with all devotion and decide that you are going to learn the teaching of ultimate science, holy science, which is prescribed by Mahatma Babaji, the greatest avatar. Dono hathali ko sir ke piche rakhe, place both palm on the posterior surface of head. नवरात्रि का अर्थ है नौ प्रकार का अंधकार। जब अंधकार हो, अज्ञानता हो, तो हम जागरण करते हैं, वही नवरात्रि जागरण है। यह है क्या नवरात्रि जागरण? जब एक वैज्ञानिक की तरह खोज करिए तो पता चलेगा क्रियायोग का अभ्यास ही नवरात्रि जागरण का सच्चा अभ्यास है। तो सिर से पैर की उंगली तक ये अलौकिक रचना, वो मार्ग है, वो पथ है, वो रास्ता है जिस पर मन और बुद्धि को केंद्रित करने पर हमारी स्वतः यात्रा शुरू हो जाती है, सीमित से असीमता की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत से जीव की ओर। हाथ को ऊपर उठाएं, रेज आर्म्स अप। फिर हम दो बार में श्वास लेते ही इस तरह से अंगड़ाई लें, पैर की अंगुली के नाखून से लेके हाथ की अंगुली के नाखून तक सब में ऐसा खींचाव हो जो बहुत अच्छा लगे। मुंह से दो बार में निकालते ही सब ढीला करते। नाउ वी विल सिट, हम बैठेंगे। नवरात्रि का अर्थ क्या है उसको कैसे समझेंगे? अगर हम महाता बाबा की शिक्षा को पूरी तरह स्वीकार करते हैं कि महाता बाबा जो ज्ञान लुप्त हो गया था फिर से प्रकट किया, और लहरी महाशय के द्वारा उसको व्यक्त किया, महाथार बाबा खुद क्यों नहीं बताए, लाड़ी महाशय को क्यों चुने? उसके पीछे कारण है, अगर महाथार बाबा जी इस तरह से क्लास लेने लगे स्थूल रूप में, देखिए जो संकल्प है कस्सा शरीर हमेशा बने रहेंगे, इसको तोड़ना पड़ेगा। इससे महाथार बाबा स्वयं जो करना चाहते हैं वो किसी न किसी को चुन करके उसके माध्यम से करते हैं।
जैसे कहते नहीं कि हम जो करते हैं भगवान कराते हैं, भगवान स्वयं क्यों नहीं करते हैं? इसका एग्जाम्पल ऐसा होगा कि हम दौड़ना चाहते हैं, बहुत तेज उड़ना चाहते हैं, हवाई जहाज बनाए उससे बैठ के उड़ गए, कार बनाए उससे बैठे और खूब तेज ड्राइव की 120, 30, 150, 200 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड, तो सिर से पैर की उंगली तक इसके द्वारा क्यों नहीं हम दौड़े? कार क्यों बनानी पड़ी, हवाई जहाज क्यों नहीं क्यों बनानी पड़ी? अगर पैर की उंगली सिर तक इस माध्यम को हम उतना दौड़ेंगे तो इसका दृश्य रूप नहीं रहेगा, इसको अदृश्य होना पड़ेगा। इसीलिए इसके अंदर विद्यमान शक्ति और ज्ञान का उपयोग करके निर्माण किया जाता है। उस निर्मित रचना के माध्यम से जो कुछ करने की आवश्यकता है किया जाता है। ऐसे परब्रह्म स्वयं उन्हीं की शक्ति, उन्हीं के अंदर का ज्ञान प्रकट होकर के दृश्य जगत के रूप में जो कुछ होता है, हो रहा है, ये वही कर रहे हैं। उसमें जो हम कहते हैं कि गलत हुआ सही हुआ, ऐसा होता नहीं, कुछ गलत सही नहीं होता है। ऐसे ही भगवान की क्रियाकलाप है, उसको समझिए। उसको कैसे समझेंगे हम? सिर से पैर की उंगली तक ये रचना है, इसी पर अपने अस्तित्व को एकाग्र करिए। हमारा अस्तित्व क्या है? जब मन की शक्ति से हम क्रियाकलाप करते हैं, या बुद्धि की शक्ति से, या कोई और शक्ति हो, इसको हृदय की शक्ति, आत्मा की शक्ति, न जाने क्या क्या कहते हैं। हम उसको सिर से पैर की उंगली तक इस पर आरोपित करते हैं, इस पर एकाग्र करते हैं, तो हम खोज कर पाते हैं कि भगवान ये सब क्यों करते हैं। पूरी दुनिया के निर्माण भगवान ने किया, क्यों किया? फिर ऐसा क्यों है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा डालती है? ऐसा क्यों है कि जब बिच्छू के बच्चे पैदा हुए अपनी माँ को ही खा के बढ़ेगी? ये सब क्यों होता है? इसका उत्तर जानने का एक ही तरीका है, सिर से पैर की उंगली तक अपने में एकाग्रता बढ़ाइए। जो अनुभव हो उसको कैसे स्वीकार करें सीखिए, उसके साथ जुड़िए, तब इस प्रश्न का उत्तर आएगा, भगवान दृश्य जगत के रूप में अदृश्य जगत के रूप में क्यों प्रकट हुए? कोई बीज बन गए, कोई वृक्ष बन गए, ऐसा क्यों हुआ? जिसको कहते मानव का दो रूप, एक जो मारकाट लड़ाई झगड़ा करते, एक है जो बुद्धा की तरह अहिंसावादी है, ऐसा दो क्यों हुआ? इसे उस सोचने के बजाय हम अपने में एकाग्रता बढ़ाए, पैर के उंगली से सिर तक इसे पूरी तरह से एकाग्र हो जाए। जो अनुभव हो स्वीकार करे उसको, स्वीकार करने का तरीका इसी में है। जैसे भ्रूमध्य है, मन को भ्रूमध्य पर एकाग्र करते हैं, माथे के सामने जो दिखता है उसे में और एकाग्र हो, श्वास जो चल रही है उसको अनुभव करिए, सिर और रीढ़ कहाँ है उसकी अनुभूति करिए, सबको स्वीकार करते जाइए। बीच में कुछ आवाजें भी सुनाई पड़ती हैं, उसको भी सुनते जाइए, तो पूरी क्षमता प्राप्त हो जाती है कि सिर से पैर की उंगली तक इसको कैसे स्वीकार करें। जब स्वीकार करेंगे तो जो नौ प्रकार के अंधकार हैं, जिसकी वजह से लगता है दूरी है, हम आप दो हैं, हम और भगवान दो हैं, वो दूरी खत्म हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड, वी आर बोर्न ऑन दिस अर्थ टू डू सम एक्टिविटी। हु इज डूइंग एक्टिविटी? इट इज गॉड इज डूइंग एक्टिविटी। इफ आई एम टॉकिंग, हु इज मेकिंग मी? हु इज क्रिएटिंग दिस टॉक? व्हाट इज द फिजियोलॉजी फंक्शन? इट इज गॉड इज डूइंग। देन व्हाई गॉड इज, हु इज गॉड व्हेन गॉडलेस? हाउ टू अंडरस्टैंड इट? फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ वुड, इनसाइड वुड यू आर हैविंग वेरी कोल्ड, शिवरिंग कोल्ड,
snow is there. Then we have wood inside, wood, there is a fire. Try to take fire out of the wood. You will find that whatever cold chillness we feel, now we will enjoy that cold. Exacting the same within head to toes, there exists all kind of knowledge, power, everything. You have to learn how to dig out it, how to activate it. The moment activate it, dig out it, then we will realize, we will know everything. Then ignorance will not be there. And what we will realize, ultimate truth. What is the ultimate truth? Unification. What is the meaning of unification? That is the Kaivalya. What is the meaning of Kaivalya? That there is no space between me and you. There is no space between me and power, me and knowledge, me and peace, me and joy. That is the Kaivalya. Now it is very easy up to us how much devotion we have in the practice. अच्छी तरह से याद रखिए, जैसे बहुत जाड़ा लग रही हो, शिवरिंग कोल्ड हो, बर्फ पड़ रही हो, ठंडा क्या लगता है कभी प्राण निकल जाएंगे, लेकिन लकड़ी है अपने पास, तो लकड़ी में आग छिपी है, आग को निकालिए, तो जब ठंडक के कारण एक प्रकोप हो रहा है, एक कष्ट होता है, लगता है कि ठंडक है कि फ्रॉस्ट बाइट होगी, उंगलियां कट जाएंगी, लेकिन जब लकड़ी से आग को निकाले हम तो ही ठंडा का मौसम अच्छा लगने लगा। ऐसे सिर से पैर की उंगली तक इसे अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, परम शांति, परम आनंद इसमें भरा हुआ है। जब हमें नौ प्रकार का अंधकार लगे नौ प्रकार की रात्रि, नौ प्रकार का अंधकार जब दिखाई पड़े, इस ज्ञान को जगाइए, अंदर की शक्ति को जगाइए। तो अंदर की शक्ति को, ज्ञान को जगाएंगे तो जो नौ प्रकार का अज्ञान है ये दूर हो जाता है। इस नौ प्रकार के ज्ञान को कहते क्या है? इसे काम कहते हैं, क्रोध कहते हैं, राग देश, कितना हुआ? एक, दो, तीन, चार, मोह पांच, मद छह, फिर संस्कार जिसको आदत कहते, इसको ऐसी आदत जो हमें जकड़ ली इसको संस्कार कहते। फिर ईगो, जीव भाव और अज्ञानता, इन नौ प्रकार का अंधकार है। कि जब इस अंधकार को हम दूर करना चाहें, कैसे दूर होगा? दूर करने का अर्थ है द्वेष करना। हम द्वेष के माध्यम से नहीं दूर कर सकते, हमें अच्छा साधन चाहिए। ज्ञान केवल मिलने से होता है, किसी चीज से अलग होने से ज्ञान नहीं होता है। हम काम से अलग हो, क्रोध से, राग से, द्वेष से, सबसे अलग हो, इसका अर्थ हमें द्वेष करना है। और जो द्वेष को पकड़े रहेंगे इन सबके बारे में ज्ञान नहीं होगा। हमें करना क्या है? इनसे जुड़ना है। कैसे जुड़ेंगे हम? जुड़ने का तरीका क्या है? बड़ा आसान है। सिर से पैर की उंगली तक की जो रचना है, मन बुद्धि को इसी पर एकाग्र करिए। जो अनुभव होता उससे जुड़िए। उससे जुड़ेंगे कैसे? जुड़ नहीं पाते हैं तो जुड़ने का एक तरीका है, वो ये क्रिया योग ध्यान। ब्रह्मदेव पर एकाग्रता बढ़ाइए। श्वास दर्शन ये क्या है? सिर और ईर कहाँ है?
सिर से पैर की अंगुली तक इसमें क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं। जैसे जैसे भूमध्य पर एकाग्रता बढ़ेगी, जैसे जैसे सिर और कहां पर है मन को करेगी, जैसे जैसे श्वास अंदर आती बाहर जाती है इसमें एकाग्र होंगी, वैसे वैसे हमें जुड़ने की क्षमता प्राप्त होती है। तो जब हम जुड़ेंगे, हम काम क्रोध राग द्वेष मोह मद इसको मत्सर कहते हैं, संस्कार जीवभाव और अज्ञानता तीनों को मिला के मत्सर कहते हैं। ये है मत्सर, ये तीनों को मिला करके संस्कार कहते हैं। ऐसी आदत जो हमें जकड़ ली हो, जीव भाव है हमारे परमात्मा बीच में दूरी हम मान बैठे हो, अज्ञानता कुछ ही बारे पता ही ना हो, तीनों मिलकर के इसको मत्सर कहते हैं। तो काम क्रोध लोभ को राग और द्वेष कहते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अज्ञानता ये सब है अंधकार, इनसे जुड़ना पड़ता है। जुड़ेंगे कैसे, हम सिर से पैर की उंगली तक की जो रचना है इसी से जुड़िए, इससे जुड़ने लगेंगे तो पता चला कि काम और क्रोध से जब जुड़ गए तो क्या मिलता है, इंद्रियों की अनंत शक्ति, मन की अनंत शक्ति। जब इंद्रियों और मन की अनंत शक्ति प्राप्त होती है तब पता चला हमें जो शक्ति मिली है उसी को दमशम कहते हैं। दम है इंद्रियों की अनंत शक्ति, सम है मन की अनंत शक्ति। उसके बाद जो राग द्वेष से जुड़ते हैं तब क्या मिलता है, तितिक्षा की प्राप्ति होती है। तितिक्षा क्या है, गर्मी भी अच्छी लगे, जाड़ा भी अच्छा लगे, सिर से पैर की उंगली तक इसमें जितनी अनुभूतियां सब परम आनंद की उपस्थिति की लगे तो उसको तितिक्षा कहते हैं। और जब हमें मोह मद इन सब से जब हम जुड़ते हैं, और जब मोह से जुड़ गए तब क्या होता है, हमें वो शक्ति मिलती है जिसको उपरथ कहते हैं। उपरथ क्या है, हमें निकट रहने की आदत हो गई शक्ति से, ज्ञान से, शांति से, इसी को उप समीप। रति का मतलब ऐसा वास, ऐसा नजदीक रहना कि हम अलग ही ना हो। ये कब होता है, जब मोह से हम जुड़ गए। मोह क्या होता है, मोह है कि हमें आपसे मोह हो गया, आपके बिना नहीं रह सकते, ये सीमित मोह है, इसका विस्तार कर दीजिए। दुनिया में जितनी भी रचनाएं हैं हम किसी के बिना नहीं रह सकते, और अक्षर से देवता है दोनों चाहिए। ब्रह्मांड की जितनी रचना है सबकी आवश्यकता है। इस तरह से मोह को जब असीम कर दिए तो क्या मिला, उपरथ। निरंतर हम साथ हैं शक्ति के, ज्ञान के, शांति के, आनंद के। जब मद है, मद कहते हैं प्राइड, क्षमा से बड़े हैं दम्भ। जब ये हमारे साथ हो जाता है तब हमें श्रद्धा, श्रद्धा किसको कहते हैं, अनंत धैर्य। मद क्या है, ठीक है सिर से पैर का उंगली तक हमसे बड़ा कोई नहीं, ठीक है भाई तो अपने को अनुभव करिए, हम सबसे बड़े हैं। तो जब अपने में एकाग्रता बढ़ाते हैं हम सबसे बड़े हैं तब पता चला हम तो है ही नहीं, ये तो परमम थे जिसको हम कहते थे हम है, ये आप है, ये है वो है। जब ऐसा पता चला कि सब परमम ही है तो एक शक्ति प्रकट होती है जिसको श्रद्धा कहते हैं। इसी श्रद्धा को असीम धैर्य कहते हैं। चलो ये हुआ, फिर जब इसके साथ ही हो गए हम आदत, ऐसी आदत जो हमको जकड़ी हुई है, ठीक है तो सभी प्रकार के आदतों से कैसे एक हो जाए। हमारे इंद्रियों के तल पर शब्द स्पर्श रूप रस गंध, मन बुद्धि के तल पर जितनी चीजें प्रकट होती हैं हम सब से जुड़े, किसी से अलग न हो। ऐसा जुड़ जाए कि हमें
एक आदत नहीं, हमें अनगिनत आदतों से जुड़े रहना है। एक आदत है खप पकड़ ली, दूसरी आदत है छोड़ दी, दोनों से बराबर जुड़ना है। जब ऐसा होता है कि हम आदत से जुड़ गए, जीव भाव हमारे परमात्मा बीच में दूरी है, ठीक है कितनी दूरी है पता करें, तो अपने में एकाग्र होइए, पता चलता दूरी है ही नहीं। जब जीव भाव से जुड़े हम परमात्मा से अलग है, ठीक है भाई अलग है, हम है कौन, अपने में एकाग्र होइए, पता चले हम है ही नहीं, तो जीव भाव खत्म हुआ, फिर सारी अज्ञानता खत्म हुई। तो जब हम इस तरह से संस्कार से, जीव भाव से, अज्ञानता से जुड़ते हैं तो समाधान मिल जाता है। हर चीज का समाधान मिला, समाधान में क्या मिलता है कि मृत्यु लोक है ही नहीं, ब्रह्मांड की सभी रचनाएं अमर है। तो तम सम तितिक्षा उपरत श्रद्धा समाधान हमें प्राप्त हो जाता है जब हम नवरात्रि जागरण करते हैं। नौ प्रकार के जो अंधकार है, अज्ञान है, हम कैसे इतने सजग हो जाए, हमें से मिल जाए, अलग ना हो। काम से देखिए, काम किसको कहते हैं, हमारी जीवन जब स्वाद लेती है, खट्टा मीठा तीता कुछ भी है, तो जो स्वाद की अनुभूति हुई काम तत्व हुआ, पता चला कि हमें तो काम ही काम चाहिए। तो अनगिनत जितने भी अनाज है, जितने भी फल है, सबका स्वाद हमें असीम और अनंत अनुभव हो। ऐसा ना कि स्वाद को हम नहीं पसंद करते, इसको पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है। हम पूरे काम तत्व से जुड़ गए तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध पर जो अनुभव हो, सारी अनुभूतियां महान अनंत और असीम है। ऐसा होते ही क्रोध से जुड़ गए, क्रोध क्या है, जब गुस्सा करते हैं मुट्ठी जब बांधते हैं तो तैज करते हैं कि नहीं, तैज करते हैं तो पता क्या है, इससे प्रारशक्ति और बही। तो क्रोध से जुड़ने के मतलब लाइफ फोर्स से जुड़ गए, जब चाहे इसको कड़ा करें जब चाहे ढीला कर ले, अरे वाह। जब काम क्रोध से जुड़े तो क्या हुआ, दम सम इंद्रियों की मन की अनंत शक्ति आ गई। इसे सबसे जुड़ना सीखिए, अलग होने की बात मत सोचिए। घर में कोई व्यक्ति अच्छा नहीं, उससे जुड़िए, अलग मत हुई। समाज के व्यक्ति राक्षस है, राक्षस नहीं होता कोई, से जुड़ के देखिए, सबके अंदर मानता है। यह है नवरात्रि के विषय में जो भारतीय संस्कृति में थी परंपरा, वो धीरे धीरे फिर से अब प्रकट हो रही है, फिर से परंपरा हर जगह पर प्रकट हो जाएगी। हमारा भारतवर्ष वैसी हो जाएगा जैसे दिव्य माँ हो, दिव्य माँ को सभी प्रेम करते हैं, इस राष्ट्र से सभी राष्ट्र प्रेम करेंगे। और अतीत में प्रेम करते थे, प्रमाण क्या है, ये हिंद महासागर है, भारत के नाम पर इस समुद्र को ही कह दिए, इंडिया ओशन है ये, अमेरिका में समुद्र है, अमेरिका के नाम पर नहीं हुआ, ऑस्ट्रेलिया से लगे ये समुद्र को हिंद महासागर कहते हैं, जो समुद्र आपके कनाडा में है, कनाडा के नाम पर कोई समुद्र नहीं रखा गया, तो भारत देश के नाम पर ये इंडियन ओशन कौन रखा, सभी देश मिलकर के रखे, ऐसा भारत से प्रेम करते थे। ऐसे प्रेम की आवश्यकता है कि विश्व के सभी राष्ट्र भारत को प्रेम करें। ये कब होगा, जब नवरात्रि जागरण होगा। जागरण क्या है, जागरण हम जुड़ते हैं, आप खोलते हैं और देखते हैं। जागरण है कि हम काम क्रोध राग द्वेष मोह मद संस्कार मत्सर जीव भाव अज्ञानता से कैसे जुड़े, इससे जुड़ना सीखिए। जुड़ने का तरीका सिर से पैर की उंगली तक अस्तित्व है, इससे जुड़ना सीखिए बस। यह जो नवरात्र पूजा अब प्रारंभ होगी, ऐसे हर घरों में मनाई जाएगी। संक्षेप में कैसे मनाए हम, क्रिया योग ध्यान जब करते हैं, नवरात्रि जागरण स्वतः होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, नाउ वी हैव नवरात्रि, पांचवे दिन नवरात्रि, और रात्रि मीन्स डार्कनेस इग्नोरेंस, नो मीन्स नाइन, देर आर नाइन काइंड ऑफ डार्कनेस, दैट डार्कनेस इट इंक्रीजेस कंफ्यूजन, देन वी स्टार्ट फाइटिंग विद ईच अदर, दैट कंफ्यूजन
creates illness, sickness of body and mind. All problems we face because of the nine darkness. What are the nine darkness? That is called the lust, anger. What is the lust? What is the anger? When mind perceives the things on the platform of sense organs through ear, mind is hearing, listening with the help of eyes. Mind is having visual perception. In the same way, on the platform of our sense organs, organ of action, what we perceive, each and every perception is called lust. Now you have to learn how to practice oneness with the lust. But this is said, get away from the lust. Get away from the lust, what kind of lust? Limited lust. Means whatever you appreciate, whatever you feel on the platform of hearing, vision, taste, touch, smell, try to accept all. When you accept all with this concept, what you perceive is presence of God, then lust and me have no distance. After that you will realize, when lust is with me, anger always will be with me. What is the anger? When I feel anger, always, suppose that I feel very angry, I am looking at tightness in my body. I want to give one blow. That person very bad. A tiger has come. Tiger is going to eat me. Like tiger saw me, he start giving blow to the tiger. What is that? That is called demonstration of anger. When power is translated, if power is demonstrated in the form of tension, tightness, that is called anger. When you feel oneness with the tightness, then you will feel oneness with the relaxation also. If you can increase tension, tightness, then you can practice relaxation also. You have full control over the life force flow. You can increase or you can decrease. This practice is called oneness with the anger. When we realize oneness with the lust and anger, and what we feel, dumb and some. What is dumb and some? Dumb is called infinite power of mind, senses. Some is infinite power of mind. When we practice oneness with the lust and anger, then we feel infinite power we have in our mind and senses. That's a great. After that, keep on uniting. Do not have thought of going away from anything. Then rag this is called attachment aversion. We practice attachment and aversion. Something we like, we want to keep that. Something we do not like, then we do not want to keep them. Then how to practice oneness with attachment aversion? When I and attachment are one, you will find there is no attachment. That's a perfect love. When I and aversion both are love, what is the aversion? I am throwing something. I am just 33 recharging, fencing. If I am able to throw it, I am able to contact it. That is called the pranayama. Practicing attachment aversion, oneness with attachment aversion means practicing control of the life force. Moment you have control of the life force, then what we realize, great power, that is called even-mindedness. What is called even-mindedness? Whenever you feel there is a darkness, means it is now, door is opening to experience darkness. Evening is called door towards the night. Night is called darkness. Then become mindful. What is mindfulness? Have full awareness of everything. Complete awake. When you are completely awake, awake means practicing oneness with everything. I am awake. Then I have visual perception. I am awake. I am hearing. I am awake. I feel smell and taste and touch. When you are fully awake,
यू प्रैक्टिस वननेस विद द हियरिंग टच विजन टेस्ट स्मेल वननेस विद रीजनिंग पावर विल ऑल काइंड ऑफ मेंटल रिफ्लेक्शन एंड व्हाट वी रियलाइज तितिक्षा तितिक्षा इज कॉल्ड practice how to connect yourself with all, with the concept each and everything is presence of God. Okay, all right. And practicing attachment aversion is very great. And practicing more, what is the more? More means, oh, I like, he is my brother, he is my son, he is my daughter, he is my friend, he is my family member. No, they are not. This is called the moon. Time to explain the moon. Each and every creation belongs to my family. Not only human being, all animals, all plants, all energy waves, all eater, they belong to one family. The moment you practice it, they are practicing oneness with the moon. Because we have illusion, illusion that, oh, you are my brother and sister. They are not. This is illusion. All are one. We are really one with all creation. Moment you practice all are one, then illusion is transformed. And what we feel, illusion, we realize great power of concentration. That great power of concentration, we have technical name, we call it Uparadhyay. This is Hindi. Uparadh. When I write, many person will write like Aparadh. And I have created new word that is U and plus O. Then you can say O. Uparadh means now I have full concentration on all creation because they are mine. Then my mood is dissolved. But you get great power. After that, there is mad. Mad means pride. I am something. I am greater than you. All right. Accept it. I am greater than you. Try to feel your greatness. By increasing attention on head to toes, feel oneness with that. Then you will realize, I never exist. It is God who has become me. Then I will say, you never exist. God has become you. Once you realize this, oh, we get great power. That power is called Shraddha. This Shraddha is called eternal patience. This eternal patience is called eternal calmness. You are very calm. Because we are settled. We got everything. You are mine. Nobody is not mine. All are mine. Whole universe belongs to one family. After what happens, what we are having the habit, because of habit I practice likes and dislikes. Now I expanded my habit, I start liking all. And the habit is transformed. And jiva means egoistic life, I and God are two. Okay, alright, practice oneness with the God, you. I feel oneness with the me, then me disappears, only God exists. This kind of ignorance disappears, then we achieve ultimate things which we call Samadhan. Samadhan means all problems are solved. That is the Kaivalya. That is the unification. The nine doctrines which was practiced by majority of people who are living in so-called this India. Because of this, all nations of the world, they started loving India very much. How to prove that all nations having deep love for India? Because they named ocean as Indian Ocean. There is ocean in America. There is no name, this is American Ocean. There is ocean in Canada. When nobody says it, Canadian Ocean.
There is an ocean in Australia touching. We call it Indian Ocean. Indian Ocean name is given by all nations of the world. It proves that India is very much loved by all nations. What was the cause of loving? We were expert how to remove nine darkness. How to practice now? Practicing Kriya Yoga meditation sincerely, you are removing all darkness by bringing unity with them. Do not have concept of removing anything. Have concept of unity. When we start practicing unity with all differences which is called limited, that is lust, anger, greed, attachment, aversion, habit, chronic habit, egoistic life, ignorance. We start practicing oneness with all, automatically you find they never exist. Simple thing, do not try to understand. Try to practice and practice. When try to understand more, you will increase confusion. But practice and practice, that is called practicing the things what is important for us. This is about Navaratri. In the brief, already have done practice. Who are listening all over the world? Practice is given. You can practice by your own. This is for now. कोई प्रश्न हो तो आप करिए. प्रश्न तभी होगा जब आप सुने होंगे. एकदम से सुने होंगे तो प्रश्न आएगा ही नहीं. If you have any question, you can ask. You can ask only question if you have perfect listening. If you have perfect listening, there will not be question. How is contradiction, you see? I have question only when I listen perfectly.